सो गुड मॉर्निंग गाइज, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। वो क्वेश्चन था, हाल ही में किसने 2024 में डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की घोषणा की है? हर्षवर्धन सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी और राहुल सिंह। तो वो है प्रकाश जावड़ेकर, और प्रकाश जावड़ेकर कौन है? वो ये है सूचना और प्रसारण मंत्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाफ्रा तेल क्षेत्र विवाद को सुलझाने के लिए किन दो देशों के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? ईरान और इराक, सऊदी अरब और बहरीन, कुवैत और बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत। तो ये हुआ है सऊदी अरब और कुवैत, सऊदी अरब और कुवैत के मध्य समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में GST परिषद ने करदाता शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना को मंजूरी दी है। GST परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है 35वीं बैठक में, 36वीं बैठक में, 37वीं बैठक में और 38वीं बैठक में। तो गाइज ये है 38वीं बैठक जो हाल ही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRI के योगदान को चिन्हित करने के लिए किस मंत्रालय ने डाक टिकट जारी किया है? विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल और वित्त मंत्रालय। तो ये जारी किया है वित्त मंत्रालय ने, में और जो वित्त मंत्रालय की जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 4, 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया था? Mirage 2000, MiG-27, MiG-21, MiG-23। तो ये किया गया MiG-27 का। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे ने लोगों को पहाड़ी का दृश्य दिखाने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की है? कालका एक्सप्रेस, शिमला एक्सप्रेस, हिम दर्शन एक्सप्रेस, पर्वत दर्शन एक्सप्रेस। तो ये है हिम दर्शन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे वर्ल्ड मोस्ट फेमस टीनेजर घोषित किया गया है? मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थनबर्ग, उपरोक्त दोनों, एस्ले बार्टी। तो ये किया गया है मलाला यूसुफजई, और ये पाकिस्तान की एक महिला है जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, मलाला यूसुफजई को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी कल्याण योजना के लिए वॉर रूम स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो ये की है महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र की राजधानी है बम्बई, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव बाल ठाकरे। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में AAO ने किसे लाइफ अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है? अनूप मिश्रा, डॉक्टर संतोष जी होनावर, शिवदास मीणा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है डॉक्टर संतोष जी हुनावर। अब क्वेश्चन वो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, वो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM से OTP आधारित नकद निकासी प्रणाली शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, HDFC बैंक और PNB बैंक। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।